नमस्कार दोस्तों, धर्मेश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही डिलीशियस और कम से कम सामग्री के साथ रिफ्रेशिंग पान शोट आइसक्रीम बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और मुझे लगता है गर्मी की सीजन में ये परफेक्ट आइसक्रीम रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान और रिफ्रेशिंग आइसक्रीम रेसिपी। पान शोट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले बोल में आधा कप मेल्टेड व्हीप क्रीम लेंगे और व्हीप क्रीम को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक बीट करेंगे। ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तब तक हम इसे बीट करेंगे। एक से दो मिनट बीट करने के बाद 1/4 कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और फिर से बीट करेंगे। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट बीट करना होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि क्रीम काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब हम इसमें 1/4 कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। 1/4 कप पान शोट सिरप ऐड करेंगे, 2 से 3 बूंद जितना ग्रीन जेल कलर ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। हमने जो पान शोट सिरप ऐड किया है वो मार्केट में आसानी से मिलता है, जिसका हम शरबत बनाने के लिए या फिर आइसक्रीम या फिर केक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा पान शोट आइसक्रीम बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो 1 बूंद जितना कलर और ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इस मिश्रण को एयरटाइट कंटेनर में निकाल लेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। टूटी फ्रूटी से गार्निश करेंगे। अब इसे 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट डीप फ्रीज में यानी फ्रीज़र में रखना होगा। मैंने पूरी रात फ्रीज़र में रखा था। आप देख सकते हो कि आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। सच में दोस्तों पान शोट आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनी है, और इस आइसक्रीम को जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तब इसे ना एयरटाइट कंटेनर में रखने की ज़रूरत है और ना ही ढक्कन लगाने की ज़रूरत है। आप इसे बॉल में भी ऐसे ही खुला रख दोगे तो भी इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। दोस्तों इस आसान सी और डिलीशियस आइसक्रीम रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।